नमस्ते, आज हम लोग कैपिलरी कैलकुलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वाटर कूलर का एग्जांपल लिया है। अब कैपिलरी का जो कैलकुलेशन करते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि कंप्रेसर का मॉडल नंबर हमें पता होना चाहिए, कंप्रेसर किस मॉडल का बना हुआ है, कौन सा रेफ्रिजरेंट वहाँ पे यूज़ हो रहा है, इवापरेटर का टेम्परेचर क्या है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है हमें BDU में पता होनी चाहिए या फिर रेफ्रिजरेशन वाट्स में पता होनी चाहिए। अभी वाट्स में दो होते हैं, एक पावर इनपुट भी होता है वाट्स में और एक रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होती है। तो ये जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो वाट्स में तो पता होनी चाहिए, BDU में पता होनी चाहिए, और नंबर ऑफ फीड मतलब कितनी कैपिलरी है, एक दो तीन चार, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपके पास भी होगी तभी आप कैपिलरी का कैलकुलेशन कर सकते हो। अब जो है यहाँ पे मेरे पास में एक मॉडल है और उसका कैटलॉग मैंने यहाँ पे जो है शो किया है। तो एक साइड में आप यहाँ पे देखोगे तो मॉडल नंबर है, तो यहाँ पे मैंने जो मॉडल चूज किया है वो है KCE444HAG। ओके, और इसमें रेफ्रिजरेंट कौन सा यूज हो रहा है, R134A, मतलब इस कैटलॉग में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन मॉडल नंबर पता होना चाहिए। तो मैंने ये मॉडल जो है सिलेक्ट किया है, तो मुझे रेफरेंट का जो है वो भी आइडिया आ गया। यहाँ पे मुझे पता है वाटर कूलर का जो टेम्परेचर होता है इवापरेटर का वो 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, तो टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे है। और इसके हिसाब से मैंने इसका जो रेफ्रिजरेशन जो कैपेसिटी है उसको भी मैंने वाट्स में फाइंड आउट कर लिया। देखो यहाँ पे लिखा है ना रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन वाट्स। ओके, तो क्या किया मैंने, ये मॉडल नंबर देखा और 50 हर्ट्स इंडिया में यूज होती है। इसके आगे हम चले गए, यहाँ पे मुझे टेम्परेचर पता था 5 डिग्री सेल्सियस, ये 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे यहाँ पे 1176। ओके, 1176 क्या हो गया, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन वाट्स हो गई इसकी। ओके, तो मुझे सारी चीज़ें जो यहाँ पे कैटलॉग के द्वारा मिल गई, मॉडल नंबर, रेफ्रिजरेंट और टेम्परेचर भी और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी भी। अब इसको मैंने नोट कर दिया यहाँ पे, कंप्रेसर का मॉडल नंबर KCE444HAG लिख दिया, रेफरेंट जो है 134A यूज़ हो रहा है, इवापोरेटर टेम्परेचर अप्रॉक्सिमेटली 5 से 7 डिग्री सेल्सियस होगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है वाट्स में 1176 है और एक सिंगल फीड है। BDU में लेंगे तभी भी चलेगा। अब ये जो है ना वाट्स में या BDU में अगर इंफॉर्मेशन है तो उसको HP में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, BDU पर आवर में अगर है तो 2545 से डिवाइड करना है BDU पर आवर को, तो HP में आपको वैल्यू मिल जाएगी। और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अगर वाट्स में है तो उसको 746 से डिवाइड करना है, तो आपको हॉर्स पावर या HP में उसकी कैपेसिटी मिल जाएगी। पर्टिकुलरली ये जो अभी हम लोग ने कॉम्प्रेसर की बात की तो उसके वाट्स थे 1176, उसको मैंने डिवाइड किया 746 से, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 HP आ रहा है, ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। अभी जो चार्ट है ना यहाँ पे काफी बड़ा चार्ट है, इसमें से जो जरूरत का चार्ट है उतना ही मैंने यहाँ पे शो किया है, बाकी जो कंप्लीट चार्ट चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैंने अभी जो है इस टाइप के बहुत सारे चार्ट है, तो यहाँ पे 134A रेफ्रिजरेंट जो है ना यूज हो रहा है, तो मैंने 134A जो चार्ट में चेक कर लिया। फिर टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री फारेनहाइट, उसको भी मैंने चेक कर लिया, और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी जो है 1.5 है यहाँ पे या 1.5 है, तो उसके हिसाब से मैंने ये चार्ट जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो आपको कंप्लीट चार्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जो चार्ट चाहिए उसके हिसाब से आप जो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो इस चार्ट में मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, रेफ्रिजरेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई, जो टेम्परेचर चाहिए वो भी यहाँ पे है, जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है वो भी यहाँ पे है। अब इसमें हमें डायरेक्टली जो है कैपिलरी की लेंथ पता चलती है, तो जैसे 134 हो गया, ए हो गया रेफ्रिजरेंट, हॉर्स पावर जो है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ए 1.5 होती है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो ये रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होगी। इसके सामने क्योंकि ये हाई टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर हमने कंसिडर किया 45 डिग्री फारेनहाइट, ये डिग्री फारेनहाइट में है टेम्परेचर, इसको हम हाई टेम्परेचर कहते हैं। तो इसके सामने जाके देखते हैं तो बिल्कुल जो है यहाँ पे सामने आपको 47 इंच जो है कैपिलरी की लंबाई मिल रही है, अप्रोक्सीमेट है, इसमें कुछ कम ज्यादा करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से कैपिलरी जो है इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए, और वाटर कूलर है तो 47 इंच की लगेगी, फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 3.9 फीट इतना इसकी लेंथ हो जाएगी। बोर डायमीटर के लिए आगे ना यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ओके, ये जो 4 है इसका मतलब क्या होता है, BC4 जो है ना यहाँ पे पार्ट नंबर जो है BC4, और इसमें आपको कैपिलरी का इनसाइड डायमीटर मिलेगा, ये जो आईडी मतलब इनसाइड डायमीटर, हम इनसाइड डायमीटर को कंसिडर करते हैं ना, तो इनसाइड डायमीटर क्या लिखा है यहाँ पे 0.064। ओके, तो इस तरीके से कैपिलरी की लेंथ हमें यहाँ पे मिल जाती है 47 इंच, और बोर डाया कितना हो गया यहाँ पे लिखा हुआ है 0.064 इंच, इतना क्या हो गया कैपिलरी का बोर डाया। तो अगर आपके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर
आपके पास में एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को ही यूज कीजिए। लेकिन आपके पास में लेंथ के बारे में या डायमीटर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपको एक अप्रोक्सीमेटली इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। इसमें कुछ आपको प्लस माइनस करना पड़ेगा, फिर एक कैपिलरी जो है आप सिस्टम में यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, 10% या 15%, इससे ज्यादा आपको प्लस माइनस करना नहीं है। लेकिन अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यूज जो है लेंथ की और बोर्ड आया की आपको इस तरीके से मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच।